अस्सलाम वालेकुम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से एमसीक्यू आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आता है और कोई चीज़ नहीं यहाँ से आएगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, सही है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। सिर्फ सिंपल सी डेढ़ दो लाइनें जो यहाँ बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ डेढ़ दो लाइनें। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल। अच्छा, स्केल कौन सी चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जिससे पैमाइश की जा सके, वो फुटा होता है ना, उसको भी हम स्केल कहते हैं। सही, पैमाना। ऐसी चीज़ जिसे हम पैमाइश कर सकें उसको स्केल का नाम दे देते हैं। उसका क्या नाम दे देते हैं? स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर को मालूम करने वाला आला। सही, आप देखें तीन तरह के टेम्परेचर स्केल जो हम यूज़ करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, लैब में, वो तीन तरह के हैं। एक है केल्विन स्केल, एक है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड स्केल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉरनहाइट स्केल, आप तीनों के इस्तेमाल में बता देता हूँ। नॉर्मल आप पढ़ते होंगे जी, इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतने सेंटीग्रेड, 100 मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैक्सिमम जो बुक्स के अंदर वैल्यूज पढ़ रहे होते हैं वो सेंटीग्रेड में होती हैं। अब फॉरनहाइट स्केल कहाँ पर यूज़ होता है? फॉरनहाइट स्केल आप जब बुखार वगैरह चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर वगैरह, थर्मोमीटर लगा के चेक करते हो, कहते हैं 100 पे है, 101 पे है। वो सेंटीग्रेड में नहीं है, वो फॉरनहाइट में। वो किस में है? फॉरनहाइट में। अगर सेंटीग्रेड में 100 पे पहुँच जाए बंदा तो वैसे ही उबल जाए, जितना वाटर है वो बोलता है उसका टेम्परेचर होता है। सही है, वो फॉरनहाइट स्केल। फॉरनहाइट स्केल में इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6। फॉरनहाइट स्केल 98 पे हो, 97 पे हो, 99 पे हो, ये तकरीबन बंदे का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर 100 पे चला जाएगा नॉर्मल बुखार, 101 पे गया थोड़ा तेज़, 102 पे गया और ज़्यादा तेज़। सही है, यानी कि जिस तरह वो टेम्परेचर की डिग्री बढ़ती रहती है, आपका टेम्परेचर जिस्म का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मैं कहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इसको हम केल्विन स्केल भी कहते हैं। इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन था। अब देखें, हमने ना इससे नेक्स्ट पढ़ना है चार्ल्स ला, वहाँ पे सेंटीग्रेड स्केल यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, एक और स्केल को दरियाफ्त किया। और इसको दरियाफ्त करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? लॉर्ड केल्विन। सो इसने क्या कहा कि 0 केल्विन से टेम्परेचर स्टार्ट होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड से भी केल्विन, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ से टेम्परेचर स्टार्ट होता है, इसके ऑनवर्ड जाता है। तो ये जो मेन बात है वो यहाँ पे ये पूछता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, सबसे पहले यही बात लिखेंगे, इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन हमारे पास साइंटिस्ट था, इसी वजह से हम कहते हैं जी केल्विन स्केल है, इसी वजह से हम नाम क्या देते हैं जी, केल्विन स्केल। लॉर्ड केल्विन डिस्कवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल। अच्छा, इसमें ना दो बातें लिख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं नीचे क्वेश्चन बनवा के लिखवाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने ड्राफ्ट किया ये वो। अच्छा, इस स्केल के मुताबिक पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, अकॉर्डिंग इस स्केल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, दिस स्केल, इस स्केल के मुताबिक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इज माइनस, सो इज 273 केल्विन, 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर इज, वाटर इज 373 केल्विन।
भाई ये दो बातें याद रखिए, आप क्वेश्चन लिखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछता है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, राइट डाउन इट्स वैल्यू। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, इसकी कीमत लिख दे। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या है एंड राइट डाउन इट्स वैल्यू, एंड राइट डाउन इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू। वैल्यू एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में काफी दफा आ भी चुका है कि एब्सोल्यूट जीरो है क्या, आधी लाइन या मैक्सिमम एक लाइन की डेफिनेशन है। अच्छा समझ ले पहले कि एब्सोल्यूट जीरो है क्या। अच्छा एक रिलेशनशिप है, चार्ल्स ने यह कहा था कि वॉल्यूम बढ़ाने, अगर आप वॉल्यूम किसी भी गैस का बढ़ाना चाहते हैं ना तो आप उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें। सिंपल बात, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अब कहते हैं जी अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं और ज़्यादा कम करूँ तो और ज़्यादा कम हो गया। एक वक्त कहता है एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट जीरो जो है ये हाइपोथेटिकल ख्याली है, ये अभी तक अटेन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये काम हो सकता है। क्या हो सकता है, ये काम हो सकता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो। कहता है इसको आप कम करते जाएं, कम करें टेम्परेचर को, और ज़्यादा कम करें, और ज़्यादा कम करें, कहते एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो वॉल्यूम है ये ज़ीरो हो जाएगा। उस टेम्परेचर को, वो कम से कम टेम्परेचर जो होगा से उस टेम्परेचर को हम नाम देना शुरू कर देते, ये एब्सोल्यूट जीरो है। जहाँ पे गैस जीरो का मतलब क्या है कि वॉल्यूम जहाँ पे गैस का जीरो हो जाए, वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए। चलो यही इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखे एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। क्या डेफिनेशन है इसकी, सिंपल सी बिल्कुल डेफिनेशन है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम, यह हाइपोथेटिकल, अगर लफ्ज सही करेक्ट लिखो ना, हाइपोथेटिकल है, द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, हाइपोथेटिकल। अच्छा हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है ख्याली, क्या मतलब होता है, ख्याली, यानी जिसको हम सिर्फ सोच सकें, उस पर कोई भी चीज़ प्रूव ना हो, सही है। ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ये ऐसा टेम्परेचर है, ख्याली टेम्परेचर है, एट विच, जहाँ पर, एट विच वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस कौन सी होती है, ऐसी गैस जो सारे के सारे लाज माने, ऐसी गैस जो सारे के सारे लाज को माने, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। कौन कौन से लाज हैं जी, बॉयज ला, चार्ल्स ला, ये जितने भी लाज हैं ना, और भी बहुत सारे लाज हैं, आपके लेवल तक तो बॉयज ला और चार्ल्स ला की बात करता है ना, आगे जाके देखेंगे तो आपको ग्राहम्स ला, एवोगैड्रोज़ ला, डाल्टन्स ला, ये सारे के सारे गैसेस के लाज हैं। सही कहता है जी, हमारे पास क्या होता है जी, जो सारे सारे गैसेस के ला को मानती है गैस, उसको हम आइडियल गैस का नाम देते हैं, उसको किसका नाम दे देते हैं, आइडियल गैस। हमने कहा जी ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वुड बी जीरो, वुड हैव जीरो, या वुड बी जीरो, ये जीरो हो जाना चाहिए, बस ये वाली हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विद द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो, क्या हो जाए, बिकम वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वुड बी जीरो, जीरो हो जाना चाहिए। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, ये यहाँ पे साथ लिख भी लीजिएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं ये दो तरह की वैल्यूज़, एक डिग्री सेंटीग्रेड में और एक हमारे पास केल्विन में, ये एमसीक्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है वो ये है कि ज़ीरो केल्विन, ज़ीरो केल्विन। अच्छा ये ज़ीरो केल्विन लिखा, बाद में बच्चे कहते हैं ये ओके है, ये ओके, ये ओके नहीं, जीरो केल्विन में आगे लिख भी देता हूँ, ये जीरो
केल्विन है, या ज़ीरो क्या है, ज़ीरो केल्विन। अब इसके बाद सेकंड जो वैल्यू है वो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे जो मैक्सिमम कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना, इनके यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एग्जामिनर किस तरह कहेगा, राइट डाउन द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। आपको एग्जामिनर इस तरह देगा वैल्यूज, -273.15 केल्विन, -273.16 फारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन। ये कौन सी करेक्ट वैल्यू है इनमें से, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, डी वाला करेक्ट है। अभी तो आपको पता है डी वाला करेक्ट, लेकिन वहाँ पर आता आप ये भी लगा के आ सकते हैं, मुझे कन्फर्म पता है सही, या ये भी लगा के आ सकते हैं। आप वैल्यू याद रखें 0 और -273, आगे वाला यूनिट भी याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि प्लस और माइनस भी है। इसमें माइनस का है, -273.1 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। जो बच्चे मैक्सिमम ये माइनस नहीं याद रखते हैं, वैल्यूज़ के साथ यूनिट नहीं याद रखते हैं, ये मिस्टेक ना कीजिएगा, ये हर किसी मिस्टेक ना कीजिएगा, वरना आपका एमसीक्यू बिल्कुल गलत हो जाएगा। -273 पूरी की पूरी वैल्यू याद रखिए, -273.15 या फिर 16 भी कहते हैं बाज़ दफ़ा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, ये एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, एब्सोल्यूट जीरो की। यही है बच्चे आज के लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।